जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद स्ट्रीम चैनल पर स्वागत है। कमेंट बॉक्स में मिलने वाले प्रश्नों में से आज आपके सामने जो प्रश्न लेकर हम आए हैं वह है, किन किन व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है? तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके दीपक में अलग अलग आकृतियों के फूल बनते हैं? तो क्या ऐसे वो व्यक्ति क्या करते हैं, या उनकी ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, या ऐसी कौन सी पूजा आराधना साधना है जो सफल होकर के इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं और उनके दीपक में फूल बन जाते हैं? तो किन किन व्यक्तियों के दीपक में बनता है फूल और बनती हैं अलग अलग प्रकार की आकृतियां, जिनसे संबंधित हमारे चैनल पर 11 अन्य वीडियो आ चुकी हैं और अनेक आगे भी आती रहेंगी। क्योंकि जैसे आपके प्रश्न होते हैं कि हमारे दीपक में ऐसा फूल बना है, तो बताइए इससे संबंधित हम पर किस इष्ट की कौन सी शक्तियों का आशीर्वाद आ रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो हमारी इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद और यूट्यूब चैनल बाबा का आशीर्वाद SPM, जो कि लाइव भी आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सरल से सरल उपाय लेकर। तो आज आपका प्रश्न जो हमारे तक आया है कि किन किन व्यक्तियों के दीपक में अलग अलग प्रकार के फूल और आकृतियां बनती हैं जिनसे उन पर इष्ट की साधना सफल होने का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा होता है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं? तो भगवान की कृपा जब आने लगती है तो दीपक में बनते हैं फूल, परंतु किन व्यक्तियों पर वह कृपा आती है, किन व्यक्तियों पर दीपक में ज्योति में वह फूल अलग अलग आकृति लेकर प्रकट होता है संकेत रूप में कि उनके इष्ट देव, उनके कुल देव, उनके ग्राम देव, उनके स्थान देव, उनके गुरुदेव की कृपा उन पर बरस रही है और वो सफल हो चुके हैं अपनी साधना में और उनको अलग प्रकार की आध्यात्मिक उन्नतियां प्राप्त हो रही हैं। तो सबसे पहले वो व्यक्ति, हम आपको अलग प्रकार के कई व्यक्ति बताएंगे जिनकी साधना संबंधी या कर्मों संबंधी युक्तियों से उनके दीपक में बनते हैं अलग अलग प्रकार की आकृति के फूल। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा? जिसका हृदय बिल्कुल निर्मल होता है, जो बिल्कुल बच्चे की तरह होता है, जिसमें छल कपट की भावना नहीं होती, जो सभी के प्रति बहुत अच्छी प्रकार से निर्मल हृदय सुहृद होता है सभी के लिए, कोई छल कपट ना हो। तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बच्चे की तरह निर्मल हृदय वाला होता है, उसकी साधना से भगवान बड़े जल्दी ही प्रसन्न होते हैं, जो किसी के प्रति ज्यादा छल कपट की भावना नहीं रखता। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो बिल्कुल सच्चे हृदय वाले प्रेमी भक्त होते हैं। तो सच्चे प्रेमी भक्त जिनके दिल में सिर्फ भगवान या इष्ट या कुलदेव के प्रति सच्ची आस्था है, सच्चे भक्त हैं जो अपने भगवान को हर वक्त प्रेम करते रहते हैं, प्रेम की रसधारा से अपने इष्ट से जुड़े रहते हैं, ऐसे भक्तों के दीपक में अलग अलग आकृतियों के फूल बनते रहते हैं। तीसरे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत उच्च स्तर की भक्ति की है। भले ही ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें आप इस जन्म में देखते हैं तो वो कभी कभार सिर्फ जोत लगाते हैं, कभी दीपक प्रज्वलित करते हैं, परंतु कोई साधना करते आपको नजर नहीं आते। परंतु जिस दिन वो दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसी दिन उनके दीपक में अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं और कई जो उनके साथ व्यक्ति हैं उनके घर परिवार में वो देखते हैं कि हम अच्छी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, परंतु हमारे दीपक प्रज्वलित करने पर आकृति नहीं आती, परंतु इस व्यक्ति के द्वारा जो कभी कभी एकाधि बार ही सिर्फ दीपक जलाता है, परंतु इसके दीपक में आकृतियां उभर कर आ जाती हैं, कभी कमल दल बन जाता है, कभी त्रिशूल, कभी चंद्र आकार बन जाता है, या कभी गदा, या कभी किसी देवता का मुख बन जाता है, या अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां होती हैं जो हमने अपनी अलग अलग वीडियोस में आपके सामने बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर लाए हैं, अलग अलग उसके भाग आ चुके हैं 11 से भी ज़्यादा। तो वो आकृतियों से संबंधित जो जानकारी आपको दी गई हैं, सैकड़ों आकृतियां बन सकती हैं, उनके फोटो भी हमारे कम्युनिटी पेज पर उपलब्ध हैं, कहीं गणेश जी की आकृति, कहीं हनुमान जी की आकृति बनी है। तो अलग अलग साधनाओं में, अलग अलग देव की साधनाओं में वो जो संकेत उनकी साधना की पूर्ति के हमें प्राप्त होते हैं वो आपके सामने लाए जाते हैं।
तो वो व्यक्ति जो पिछले जन्म में अनेक प्रकार से उच्चतर उच्च स्तर की भक्ति कर चुका है, वह व्यक्ति के दीपक में भी फूल बनते हैं। चौथे वो व्यक्ति हैं जो सच्चे चरित्र वाले हैं, चरित्रवान व्यक्ति हैं, जो कभी किसी के साथ दगा नहीं करते और अपने दिल से हमेशा सच्चे बने रहते हैं, जिनके चरित्र पर एक लांछन नहीं है, दाग नहीं है, आगे वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहते हैं। पांचवें वो प्रकार के व्यक्ति हैं भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा अटूट होती है, चाहे अच्छा हो उनके जीवन में, चाहे बुरा हो, चाहे किसी ने छल कपट कर लिया है, चाहे किसी ने धोखा दे दिया, परंतु वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को अटूट रखते हैं। उनके जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उन व्यक्तियों के भी दीपक में अनेक प्रकार से भगवान के सांकेतिक जो संकेत उन्हें प्राप्त होते हैं, दीपक में फूल की अलग अलग आकृतियों के माध्यम से उनके जीवन में होने वाले अनुभवों में शामिल हो जाते हैं। छठे प्रकार के वो व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ रूप से भक्ति करते हैं। निस्वार्थ का मतलब है जैसे हम भगवान के साथ, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, हे भगवान मैं तेरी सवा मणि लगाऊंगा तू मेरा ये काम कर दे, मैं तुझ पर छत्र चढ़ाऊंगा मेरा ये काम कर दे, तुम मैं तुझे मुकुट चढ़ाऊंगा, मैं तुझे फूलों की माला चढ़ाऊंगा, मैं तुझे ये अर्पण करूंगा प्रसाद रूप में या वो अर्पण करूंगा, ऐसे करके और अपना काम निकालने के लिए भगवान के सामने जोत जगाते हैं। तो वो व्यक्ति होते हैं स्वार्थी, बिजनेसमैन, व्यापारी, परंतु जो निस्वार्थ भाव से भगवान की श्रद्धापूर्वक भक्ति, प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उनके दीपक में प्रतिदिन भी वो आकार, वो फूल, वो आकृतियां उभर कर सामने आती हैं। तो बहुत अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जिनमें से हमने आपको यहाँ पर 6-7 तरह के वो व्यक्ति बताए हैं जिनके दीपक में फूल बनते हैं, जिनकी श्रद्धा अटूट है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, सातवां प्रकार का वह व्यक्ति है जो दिल से माता पिता की सेवा करता है और किसी की आत्मा को नहीं दुखाता। उस व्यक्ति के भी जीवन में दीपक प्रज्वलित करते समय फूल में आकृतियां बन जाती हैं। भले ही वह व्यक्ति कभी अच्छी प्रकार से आपको कोई पूजा, कोई तप जप तप नियम या हवन करते हुए नजर ना आए, परंतु सिर्फ वह मानवता को ही अपना धर्म मानता है और कर्म हमेशा ऐसे करता है कि दूसरों को सुख पहुंचाने वाले बोली ऐसी बोलता है जो दूसरों को मधुर लगे, हृदय में आनंद भर दे, तो वह व्यक्ति भी समझिए भगवान की सर्वोपरि भक्ति कर रहा है। नर सेवा, नारायण सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी ज्योति में, दीपक में अलग अलग आकृति के फूल बनते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जय श्री राम या अपने इष्ट देव का नारा जरूर दें। तो हम आपसे विदा लेते हैं, आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं या इंस्टा आईडी जो है बाबा का आशीर्वाद उसके माध्यम से अपने दीपक का फूल या वो आकृति कमेंट बॉक्स के माध्यम से फोटो भेज सकते हैं इंस्टा आईडी पर, और वीडियो भी भेज सकते हैं। अपने समस्या भेजें, आपको समाधान जरूर प्राप्त होगा। जय श्री राम।